अनंदा अनंदा अच्छा उनका दूसरा संवाद ये मेरी प्रकृति महादेव फूल गोभी का मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं सबसे महादेव यार श्रवण का दूसरा सोमवार है और प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है जिसके खाने से हम स्वस्थ रहे और इसके साथ हमें प्रकृति पे बहुत विश्वास होना चाहिए। महादेव प्रकृति के दाता है और जो प्रकृति के साथ रहता है वो सदा खुश रहता है। सनातन है साथी और सनातन की अपनी एक खूबी है त्र्यंबकम यजाम ईश्वरदेव पुष्टिवर्धिनम पूर्वारूपमेव वदनात्मोक्षी मामृता। आज महादेव का बहुत मैं दिन भर से अभिषेक में हूँ, खूब अभिषेक किया है, रुद्राभिषेक किया मैंने, केसर से किया, लाल चंदन से किया, पीले चंदन से किया, मैंने जामुन से किया, फिर पंचामृत से किया, प्रभु का भस्म आरती भस्म से किया। तो आज तो दिन भर महादेव और अपने महादेव को ये प्रकृति का आत्म रूप हुआ और ये जितने भी चीजें देख रहे हो ना ये हमारी रोगनाशक है, इसके खाने से हम स्वस्थ रहते हैं और इनका सेवन करने से हमारी बीमारियों का निवारण भी होता है। और महादेव को प्रकृति के साथ ये मेरी प्रकृति महादेव है। आप सभी को पुनः श्रावण के दूसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। ये तोरी है, ये तोरी है, ये खाने से पेट बहुत अच्छा रहता है। ये कुंदरू था, ये भिंडी है, ये फूल गोभी, ये टमाटर, ये खीरा, ये कद्दू, ये धनिया। और एक बात बताऊं, सुबह सुबह जितने मैंने ये रखे ना इन सब के पत्ते पालक के धनिया के और पीपल के और उसके साथ साथ बेलपत्र के नीम के ये सारे पत्तों को यदि सुबह सुबह एक गिलास जूस पी जाते हो ना तो आपका जीवन खुशियों से भरे। और विशेष रूप से मूली भी लेके आया हूँ मैं प्रभु के लिए, ठीक है ना। तो सबको खूब आशीर्वाद। मेरा अपना भाव है भाई, देखो मैं मेरे महादेव को सजा रहा हूँ और आप सब लोगों से कहूंगा पुनः अपने सनातन को मजबूत करो, अपने राष्ट्र को मजबूत करो, अपने राष्ट्र के साथ रहो, आपका कल्याण होगा, आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण।